क्या है नया, क्या है बताइए आप लोग, क्या नया सवाल पूछेंगे तब ना। आगे क्या है, आगे क्या है नया? सर ये कल 9:30 तक पूछताछ हुई, एक सीएम को फर्स्ट टाइम बुलाया गया है और इतना लंबा पूछताछ हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं होगी। ठीक है, देखिए ये ताप ताप ये ताप ताप बता ताप दिखलाता है कि ये कहीं पे भी ये कानूनी संबंध नहीं था। ये माननीय मुख्यमंत्री को छवि की छवि को खराब कर रहा था और जो माननीय मुख्यमंत्री आज इन 3 वर्षों में जनता के बीच जितने लोकप्रिय हुए तो लोकप्रियता कम करने का, लेकिन ऐसी साजिशों से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। जनता, पूरे राज्य की जनता माननीय मुख्यमंत्री के पक्ष में खड़ी है और हमेशा अब 20 वर्षों तक कम से कम यूपीए महागठबंधन यूपीए की सरकार यहाँ होगी और लोकसभा में भी इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। कल्पना सोरेन की बात, कल्पना सोरेन माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी है, सभी जानते हैं, इसमें सवाल जवाब क्या करना। बीजेपी ये कह रही है कि आंदोलनकारी नहीं है, जो मान लीजिए कि ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि डिस्टेबलाइज करने का कोशिश, वो आंदोलनकारी थोड़ी है, उनके ऊपर आरोप था इसलिए पूछताछ हो रही है, बीजेपी का ये कहना है। तुम कहाँ माननीय मुख्यमंत्री इससे पीछे हटे, वो तो गया रेड्डी के सवालों का जवाब 9 घंटे तक दिया है, तो आप लोगों ने दिखाया है पूरे देश को, प्रिंट मीडिया ने दिखाया पूरे देश को कि 9 घंटे तक जवाब दिया, ईडी के समक्ष हाजिर हुए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।